हाय गाइस, दोस्तों मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग मीडिया। दोस्तों आज आप सबको पता ही है आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भाई बहन का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे, आपका और हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। दोस्तों तो रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य में मैं आया हूँ गाँव में मंदिर में। तो दोस्तों अभी जो मैं जिस मंदिर में हूँ, दोस्तों ये मंदिर मेरे गांव का सबसे बड़ा मंदिर है, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और दोस्तों यहाँ से गांव का नजारा काफी मस्त दिखता है चारों तरफ से, तो लगा कि एक व्लॉग तो बनता है। तो दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ अभी जहाँ मैं हूँ। दोस्तों ये मेरे गाँव का सेंटर पॉइंट है। दोस्तों यहाँ से चारों तरफ की हरियाली गाँव अच्छी तरह से पूरा दिखता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ से जितने भी मंदिर दिख रहे हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स डू इट। दोस्तों अभी जो मैं हूँ ये है, ये देख सकते हैं आप ये मंदिर। उसके बाद दोस्तों वो मेरे गांव की तरफ मेरा घर उधर है, तो उधर आगे एक और मंदिर है। उसके बाद दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, अभी दिखाते हैं आपको, वो देखते दोस्तों ये मंदिर है। उसके बाद दोस्तों ये मंदिर है, वो दिख रहा है आपको ये मंदिर है। उसके बाद दोस्तों वो देख सकते हैं वो मंदिर है, वो जो आपको पहाड़ी के ऊपर दिख रहा है वहां पे वो मंदिर है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको यहाँ से ठीक दिख रहा है वहां पे वो घर दिख रहा है आपको, वहां पे मंदिर है। उसके बाद दोस्तों वहां पे देख सकते हैं वो आपको दिख रहा है वो मंदिर है। उसके बाद वहां पे दोस्तों एक वहां पे वो जो आपको दूर पहाड़ी दिख रही है उसके ऊपर वाला वो मंदिर, और ये तो अभी मैंने बताया आपको। ये है मेन मंदिर, ये देख सकते हैं ये मंदिर। ये देख सकते दोस्तों वो रास्ता जो मेरे घर की तरफ जा रहा है। तो यहां से गांव पूरा दिख रहा है। तो दोस्तों मंदिर से वापस घर आ गया हूं। तो दोस्तों आपने देखा सेंटर पॉइंट ऑफ द विलेज। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने टेंपल देखे हैं। और दोस्तों वंस अगेन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिठाई खाओ, खाना खाओ, गाना गाओ एंड एंजॉय इट। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।